वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटे एंड हैप्पी बसंत टू ऑल ऑफ यू. सो बेटे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, रिवाइज द अनदर चैप्टर. वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस. ठीक है, सो बिजनेस एथिक्स मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन है. तो learning objectives of this chapter, we will be able to know about the concept of social responsibility, the need of social responsibility, and we will be able to identify the social responsibility of the business organization towards different interest groups, different stakeholders, and also analyze the relationship between business and environmental protection. Okay. So first of all, let us come to the concept of the social responsibility. So it is social responsibility of a business. It simply refers to its obligations to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of objectives and values of our society. कोई भी अभी तक ये हमारे वी हैव दिस आइडिया दैट बिजनेस इट एग्जिस्ट ओनली फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स एंड यू नो इट इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल नॉट एट ऑल रेलिवेंट टू टॉक अबाउट सोसाइटीज वेलफेयर व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस. योर ओनली इंटरेस्ट इज टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट. But the concept of social responsibility is in contrast to this common notion. Kaun sa notion? Ke business exists just for making, multiplying money, making profit, and it has nothing to do with the society's welfare. Social responsibility ka matlab hai ke business ke kuch obligations hai ke wo wahi decisions le और वो वही एक्शंस परफॉर्म करें जो कि सोसाइटी की वैल्यूज और सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिजायरेबल है. ठीक है, सो विच मीन्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस फर्म टू परफॉर्म दोज एक्शंस एंड टू टेक दोज डिसीजंस व्हिच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो जब एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करता है, ये इम्प्लाई कर देता है कि यस वी रिस्पेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, वी वुड डू अवर बेस्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटीज वेलफेयर. ठीक है, सो बेसिकली देर आर सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन फेवर of this fact that yes, firms should assume their social responsibilities. In contrast to this, there is another school of thought which says that social responsibility, why should business and assume social responsibility? It exists for making profit. It has nothing to do with the society's welfare. Ye koi नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना है जो सोसाइटी के वेलफेयर की बात करे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए. ठीक है, लेट अस हियर आउट द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय बोथ दी स्कूल्स ऑफ थॉट. फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट व्हिच सेज दैट अ बिजनेस फर्म शुड अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो क्या आर्ग्यूमेंट्स गिवन है या क्या केस वो आपके आगे पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं in favor of social responsibility. So bete, first is justification for existence and growth. So business kyun exist karta hai? Taki wo human wants ko satisfy karne ke liye unko goods and services provide kar sake. Theek hai, ab profit jo motive hai uska wo ek justification hai for undertaking business activity. ठीक है, but it should be looked upon as a outcome of service to the people. आप लोगों को serve कर रहे हैं, as a result you are able to
get profit. So even though profit motive एक important justification है business activity को undertake करने का, लेकिन इसको कैसे देखना चाहिए? इसको हमें ऐसे देखना चाहिए, ये profit तभी आ रहा है क्योंकि आप society को serve कर रहे हैं, ठीक है? So basically जो business की growth है, business की prosperity है, वो तभी possible है अगर हम society को continuously serve करते रहें। इसका मतलब अगर एक फर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करता है तो इट प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। ये उसकी ग्रोथ को, उसकी इवन एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करता है, राइट? नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। सो बेटे, एक फर्म को अपनी जो सर्वाइवल है या अपना जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए। कई बारी कई बिजनेसमैन ऐसी गलती कर जाते हैं कि वो शॉर्ट रन में अपने कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करके लॉट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, लेकिन फिर उनकी इमेज खराब हो जाती है क्योंकि सूनर और लेटर पीपल कम टू नो अबाउट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बीइंग फॉलोड बाय देम एंड देन दे वो अंधेरे में चले जाते हैं, उनका बिजनेस बंद हो जाता है, सब भूल जाते हैं कि कभी ये बिजनेस एग्जिस्ट भी करता था, यानी अब वो उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सो दैट एंड अनदर थिंग, फर्म्स जो है धीरे धीरे अपना पहले प्रॉफिट कम रखती हैं, दे सर्विस टू सोसाइटी अपना एक हाईएस्ट गोल रखती हैं, मोटिव रखती हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों का फेथ बनना शुरू हो जाता है उस फर्म के ऊपर एंड दे स्टार्ट परचेजिंग फ्रॉम दैट फर्म। उनकी लॉयल्टी शो करते हैं, वो कहते हैं हमें इसी फर्म से लेना है या इसी के प्रोडक्ट्स हमें खरीदने हैं, ठीक है? इस तरह से वो सारे सोसाइटी के मेंबर्स, चाहे वो कंज्यूमर्स हों, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो शेयर होल्डर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो उनके इंटरेस्ट को जब सर्व करती है, सबके इंटरेस्ट को सर्व करती है, तो सब कोऑपरेट करते हैं और फर्म स्टैंड्स टू गेन इन द लॉन्ग रन, यानी वो फर्म के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? इसका मतलब एक फर्म और उसकी इमेज लॉन्ग रन में तब गेन करती है जब इसका हाईएस्ट गोल है सर्विस टू सोसाइटी। तो जब सोसाइटी के मेंबर्स, जैसे कि वर्कर्स, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स, इनको लगता है कि फर्म हमारे इंटरेस्ट में सर्व नहीं कर रही, देन दे टेंड टू विदड्रॉ देयर कोऑपरेशन, ठीक है? सो इट इज इन द ओन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म to fulfill its social responsibility. In this way, the public image of the firm would be improved. Okay? And that's it. We want our public image to be improved. It would be in the long-term interest of the firm. And that can happen only when firm keeps the highest goal as service to society. Clear, bete? Anyone having any doubt till this point? Is it clear? Next argument which is given in favor of firm assuming its social responsibility is the avoidance of government regulation. See, government ki regulations, they are always undesirable. जब भी आप बिजनेस में जाओगे और आपको लगेगा कि अच्छा अभी यहाँ से गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, अच्छा ये काम गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है, यू वुड नेवर लाइक इट। इट ऑलवेज एक्ट्स एज एन ऑब्स्टेकल, एज अ हिंड्रेंस टू द स्मूथ रनिंग ऑफ योर बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है? सो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं, दे आर ऑलवेज अनडिजायरेबल बिकॉज दे लिमिट योर फ्रीडम। सो इफ यू वॉन्ट टू अवॉइड दीज रेगुलेशंस, how can you avoid these regulations? By assuming social responsibility voluntarily. ठीक है, अगर आप खुद ही एक responsible citizen के जैसे behave करोगे, अपनी सारी responsibilities खुद निभाओगे, तो government को नए नए कानून, नए नए laws बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आज हमारा एक act है जिसमें हम pollution, anti
पोल्यूशन जो पोल्यूशन एक्टिविटीज हैं, ऐसी एक्टिविटीज बिजनेस फॉर्म की जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, उनको हम ऊपर हम चेक रखते हैं। अगर बेटे बिजनेस फॉर्म ने पहले ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी होती, देखा होता कि जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रही है और खुद ही ये पोल्यूशन को ना फैलाने के उपाय ढूंढ लिए होते, तो गवर्नमेंट की आज रेगुलेशंस उनको फॉलो नहीं करनी पड़ती। आज गवर्नमेंट ने नए नए कानून बनाए हैं जिससे इनकी फ्रीडम लिमिट हो गई है, ठीक है। सो गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर ऑलवेज अनडिजायरेबल बिकॉज दे लिमिट द फ्रीडम ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। सो इफ द बिजनेसमैन दे वांट टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस, दे शुड वॉलंटरली अज्यूम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? ओके, नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ लॉ, सॉरी मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी। बेटे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि हम हर पॉसिबल सर्कमस्टांसेस के लिए लॉ नहीं बना सकते, ठीक है। सो गवर्नमेंट देखती है, चलो अच्छा ये काम हुआ आज, इसके अगेंस्ट हम चलो ये लॉ बना देते हैं। बट थिंक, आपको क्या लगता है, हर यू नो पॉसिबल सर्कमस्टांस के लिए रोज कोई ना कोई नई बात होगी तो हम उसका कोई नया कानून नहीं बना सकते हैं, ठीक है। सो पीपल हु फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू फ्रॉम द बिजनेस, दे मे रिजॉर्ट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज नॉट नेसेसरली गवर्न्ड बाय द लॉ। सो अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिजनेसमैन बिजनेस फर्म से उनको जो अपना ड्यू है, ड्यू मतलब व्हाट इज देयर व्हाट दे थिंक इज देयर राइट, उनको लगता है हमारा हक है कि ये बिजनेस फर्म हम इसको पैसे दे रहे हैं, पैसे देके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, तो इसको हमें ये सर्विस देनी चाहिए। तो जब उनको लगता है कि बिजनेस से उनको अपना ड्यू यानी उनका राइट नहीं मिल रहा है, देन दे मे रिजॉर्ट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज। अब एंटी सोशल एक्टिविटीज आप बोलो कि मैम वो तो फिर अगेंस्ट लॉ हो गया, नहीं बेटे, सारी एक्टिविटीज अगेंस्ट लॉ नहीं, क्योंकि हर पॉसिबल सर्कमस्टांस के लिए लॉ नहीं बनते हैं। तो दे मे रिजॉर्ट टू एंटी सोशल एक्टिविटीज, यू नो व्हाट विल हैपन देन, दिस मे हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, इससे बिजनेस का नुकसान हो सकता है, ठीक है। अगर आप खुद अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हो और कुछ लोगों को लगता है कि उनको अपना ड्यू नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो सकते हैं जो कि लॉ के अंडर गवर्न्ड नहीं है। तो इससे क्या होगा कि बिजनेस का इंटरेस्ट हार्म हो सकता है। सो इट डिजायरेबल दैट द बिजनेस फर्म्स शुड अज्यूम सोशल responsibilities, right? Next argument is bete availability of resources with the business. So according to this argument, the business institutions, they have valuable financial as well as human resources which can effectively be used for solving the problems. Society mein aaj bahut zyada problems hain, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको रिसोर्सेज की जरूरत है। रिसोर्सेज से हमारा मतलब क्या है, हियर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो बिजनेसमैन क्योंकि बिजनेस रन करता है तो ही हैज द कैपिटल, ठीक है, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मोर ओवर अपने बिजनेस को रन करने के लिए वो हाईली क्वालिफाइड लोगों को इंप्लॉय करता है। These may be engineers, these may be lawyers, these may be MBAs, managers, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास ना सिर्फ valuable financial resources है, इसके पास valuable human resources भी हैं। और ये resources हम society की problems को solve करने के लिए use कर सकते हैं। इससे society की प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा बेटर वे में टैकल हो सकती हैं। क्लियर बेटे, कोई भी चीज है आप
कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं यू कैन सॉल्व इट, इजंट इट? अब रिसोर्सेज से हमारा मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, रिसोर्सेज से हमारा मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। तो अगर आपके पास यू नो टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, देन यू कैन टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी इन अ मोर बेटर वे। हेंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी अज्यूम्ड बाय बिजनेस फर्म्स। देन बेटे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट इज कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। सो जो बिजनेसमैन है दे हैव दिस टैलेंट ऑफ कन्वर्टिंग रिस्की सिचुएशंस इनटू प्रॉफिटेबल डील्स। ठीक है, अगर हम कुछ बिजनेसमैन की ग्लोरियस हिस्ट्री देखें, आपको सबको पता है धीरू भाई अंबानी, एवरीवन नोज दैट ही स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, ही यूज्ड टू वर्क इन अ पेट्रोल पंप, ही स्टार्टेड हिज बिजनेस you know from scratch with very little money in his hands, but he faced many challenges, but he was able to face these challenges, he was able to convert the problems into opportunities. You must have heard of this very famous proverb ki agar aapki taraf koi patthar fenkta hai to usse aap deewar bana lijiye, theek hai? So same thing can be done by the businessmen. They have this aptitude, talent of converting problems into opportunities. So they not only you know solve the social problems, but they can effectively you know make them useful by accepting challenges. जैसे COVID के time पे एक बहुत बड़ा challenge आया, ठीक है? तो suppose करो एक uniform की factory है, उस टाइम पे स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई और उनका सेशन स्टार्ट होता है हमेशा अप्रैल का मंथ जो होता है वही उनका एक कमाई वाला मंथ होता है, और वहां पे उन्होंने अपने यू नो यूनिफॉर्म बेचनी होती है और पूरे साल का प्रॉफिट उन्हीं मंथ्स में उनको अर्न करना होता है। सो व्हाट हैपेंड, ऑनलाइन क्लासेस वर देयर, नाउ दे हैव लॉट्स ऑफ मटेरियल विद देम, तो व्हाट टू डू विद दैट मटेरियल, बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू come to them to buy uniform, they are not going to school. So what did they do? They started making say scrubs for the doctors. Jo doctors hain unko pehle to kuch doctors jaise nahi pehante hote the say gowns jo hote hain unko scrubs kehte hain, jo doctors ka ek overall hota hai na usko scrub kehte hain. So now during COVID they were more prone to risks, so they were either to wear the PPE kits or they were to wear you know these scrubs, this overall and even the lower. So they started making that with this, with the material and the resources available with them. So of course the demand was quite high, masks bhi unhone banaye, to demand kafi high thi us time pe in cheezon ki. So they basically they converted their problem into opportunity. एक उन्होंने first mover advantage उठा लिया इस चीज का कि हाँ भाई हम ये चीज बनानी शुरू कर देते हैं और उसकी डिमांड बढ़ गई and they again earned huge profits. Then better environment for doing business. बेटे अगर आप देखो आपके पास दो रास्ते जा रहे हैं, एक हर्डल से भरा हुआ है, obstacle से भरा हुआ है, दूसरा खाली रास्ता है, तो of course you will prefer खाली रास्ता, है ना? मेरे को अगर अपने घर तक जाना है, मैं गूगल मैप से देखती हूँ कि इस यहाँ पे इस रास्ते में ट्रैफिक जैम्स लगे हुए हैं और ये वाला रास्ता जो है ये बिल्कुल खाली है, तो मैं कौन सा प्रेफर करूंगी? ऑब्वियसली खाली जो जा रहा है, मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी। इसी तरह कोई भी बिजनेसमैन ऐसी सोसाइटी में ऑपरेट करना नहीं चाहता विच इज यू नो फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो सोसाइटी आपको कोई प्रॉब्लम्स ना दे, हाँ, तो आपका सर्वाइवल एंडेंजर्ड ना हो, तो फिर आप अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। जब आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको ऐसी कोई कभी भी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी जिससे आपका सर्वाइवल खतरे में आ सके। ठीक है, देन होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। Now we have this tendency के कोई भी प्रॉब्लम आती है
तो हम उसके लिए सोशल बिजनेसमैन को रिस्पॉन्सिबल यू नो होल्ड करते हैं. समटाइम्स वी आर यू नो जस्टिफाइड इन डूइंग सो. आज इतनी पोल्यूशन है, पोल्यूशन का मेन कारण इंडस्ट्रीज ही है बेटे. इंडस्ट्रीज ने अंधाधुंध रिसोर्सेज को यूज किया और प्रोडक्शन की बिना इस डिस्पाइट यू नो और विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो इन्वायरमेंट को कितना पल्यूट कर रहे हैं, पानी कितना खत्म कर रहे हैं, पानी में अपना वेस्ट डिस्चार्ज कर रहे हैं. तो बेसिकली आज हम जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं ना, जैसे कि पल्यूशन है या अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है या करप्शन भी हुई है या डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस एम्प्लॉयमेंट में यूज हो रही हैं, वुमेन को कम सैलरी दी जा रही है, मेल को ज्यादा दी जा रही है, या वुमेन को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, ठीक है. तो ये सब के कारण इसका कारण इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन को ही जाती है. सो डोंट यू थिंक द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम शुड बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग दोज प्रॉब्लम्स, है ना. जिसने क्रिएट किए हैं वही क्यों ना सॉल्व करे. सो a businessman should assume its social responsibility because to a certain extent it is responsible for such kind of problems, right? So bete, anyone having any doubt till this, you can ask.